हेलो गाइस, मैं प्रतीक शर्मा फिजिक्स एजुकेयर में आप सभी का वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है ना, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और लास्ट में मैंने आप सभी से बोला था कि मैं एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो एक क्वेश्चन की बजाय आज हम पूरा क्लास क्वेश्चन का ही ले रहे हैं, और इसमें हम लोग ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। जो भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है उसी टॉपिक में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी टॉपिक है आपका वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आपके क्वांटाइजेशन पे न्यूमेरिकल्स होंगे और चार्जिंग ऑफ बॉडी है ना, इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल आपको कैटेगरीज वाइज करवाऊँगा, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, सारे टाइप्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो है क्वेश्चंस और क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यू इज इक्वल टू एनी। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एनी पे अब ये क्वांटाइजेशन से फॉर्मूला निकल के आया है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले पे। देखिए, सबसे एक बेहतरीन क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम ऑफ चार्ज। माने एक कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए करते हैं। फॉर्मूला हमारा यही है, सॉल्यूशन इसका लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू हमको दे रखा है वन कूलम, ई इज इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, आपको फाइंड करना है n इज इक्वल टू व्हाट, n कितना होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो देखें, यहाँ से n इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ q बाई e, और q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कैल्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर आपको कैल्सी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद आता है 1 / 1.6, ये दे रहा है 0.625, और ये 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻¹+19। इसको हम लोग लिखते हैं 0.625 × 10⁻¹⁹, और यही चीज़ लिखा जाएगा। आप देखो, इस डेसिमल को जब हम इधर खिसकाएंगे ना तो एक पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹। वेरियस एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इस पे आंसर लगा सकते हो, आपका टाइम बचेगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ना, तीन चीज़ें इसमें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, Q है, N है और E है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे और पूछे कि बताओ कितना चार्ज हुआ है ना, तो वैसे भी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया, और मेरे को भरोसा है आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसा हो सकता है। तो ये पहला टाइप था क्वेश्चन का। ठीक है, अब आइए मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट वाले में देखो, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले मोल पढ़ाया जाता है ना, केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट को लाएंगे और समझेंगे कैसे होता है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द, किस पे बेस्ड है पहले ये जान लेते हैं,
बेस्ड ऑन, दिख रहा है स्क्रीन में, बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना। आइए इनको करते हैं। देखें इसमें कहता है कि मान लो एक कप है, क्या है, एक कप है और इस कप में वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर, इस कप में क्या भरा हुआ है, वाटर। तो वाटर भरा हुआ है और इसका जो मास दिया हुआ है 250 ग्राम्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 250 ग्राम। इस कप में जो पानी भरा हुआ है उसका मास कितना है, 250 ग्राम। आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कप, इस कप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हमको बताना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज भी आपको बताना है, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, ठीक है जी। तो वी नो दैट, सॉल्यूशन इसका लेते हैं, वी नो, हम जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, क्या जानते हैं, वन मोल ऑफ H2O, इतने मोल ऑफ H2O के पास कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 × 10³³ एटम्स नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल्स देखो ना एटम से मिलके बने हैं, तो कितने, एक ग्राम में, अब एक मोल में कितना पकड़ेगा ये, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर होगा 2 और इसका कितना होगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, है ना। तो एक मोल में कितना 18, तो इतने ग्राम में कितना है 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल्स, तो यूनिट ग्राम में कितना होगा 6.022 × 10³³ एंड डिवाइडेड बाय 18, इतने मॉलिक्यूल्स हुए, कितने ग्राम में, 250 ग्राम में, तो 250 ग्राम में कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6.022 × 10³³ डिवाइडेड बाय 18 एंड ये 250। अभी हमने क्या निकाला है, मॉलिक्यूल्स निकाला है, अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1, मगर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे इज इक्वल टू, अब इसमें हमको क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 × 10³³ डिवाइडेड बाय 18 इंटू 250 × 10, ये आया बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ तक आप कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यही हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब क्या करना है कि आपको चार्ज बताना है, तो चार्ज बताने के लिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या मिल गया, स्मॉल एन की वैल्यू आपको ये मिल गई, जब स्मॉल एन मिल गई तो हम आराम से अब निकाल सकते हैं, तो आइए इसको निकालते हैं, इसको आप फोटोकॉपी कर लें, ज़ेरॉक्स मिटा दूं, हाँ।
टोटल चार्ज हमको निकालना है। टोटल चार्ज इज इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होगा, NE। तो N की जगह है 6.022। घबराइएगा मत, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है बस सिवाय मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें ज़्यादा चीज़ कुछ भी नहीं है। तो हमने तो N रख दिया, अब हमको क्या रखना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप अपने ऐसे करिएगा, मैं कैल्सी का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए 6.022 × 250 × 1.6 ये आता है आपका इतना। अब इसको करने के बाद 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो 18 से मैंने किया इसको डिवाइड, तो ये आ रहा है आपका कुछ इतना आ रहा है 4335 8.4 × देखो ये 10 इसको कर देगा 24 और ये 10⁻¹⁹, ठीक है जी। तो ये हमारा डाटा आया है, अब इसको हमको क्या करना है, एडजस्ट करके लिख देना है, ठीक है। और यही हमारा क्यू हो जाएगा। तो लिखिए 1 2 3 4 चार डेसिमल पॉइंट हम खिसकाएंगे तो इस पे चार जीरो बढ़ेगा, 3 3 5 8 4 × 10⁻¹⁸ × 10⁻¹⁹। इसको माइनस करके आप लिख सकते हैं कितना आता है, देखो यहाँ से राउंड ऑफ कर दो तो 8 जाएगा तो इसको 6 बना देगा, 4.336 × 10⁻¹⁰ गया तो ये हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9 इतना और कूलम्ब, तो इतना कूलम्ब चार्ज बनेगा, क्लियर है। सबसे पहले हमने मोल निकाल लिया, मोल कॉन्सेप्ट के हेल्प से कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया, देन आफ्टर हमने क्यू इज इक्वल टू एन ई किया, क्लियर है। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। एक टाइप और इसमें बन सकता है ना, तो आइए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कैसे बनेगा वो। अब जैसे इसमें तो आपको पहले से बता दिया था कि ये मास है ना, अगर मान लो आपको वॉल्यूम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कहे कि 1/2 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, उसमें आप बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ तरीका, कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी तो आप कर लोगे, है ना। कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो गलत क्वेश्चन करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको आप ना कर पाएँ सही तरीके से, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा कप दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है बी पॉजिटिव, है ना, और इसमें भरा हुआ है वाटर, क्या भरा हुआ है, वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O, ठीक है, कप पे लिखा हुआ है बी पॉजिटिव, वाटर भरा हुआ है H2O है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना लीटर, तो दे रहा है 0.5 लीटर, ठीक है, इतना लीटर दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह रहा है, एस्टिमेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो ना, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो चार्ज निकालने में आपको कोई परेशानी है नहीं, चार्ज निकालने में कोई परेशानी नहीं है, आराम से पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, उसके बाद चार्ज तो आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने पास वॉल्यूम है, मास नहीं दिया हुआ है, और मास होना भी किस में चाहिए, ग्राम में। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं इसको, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है इतना केजी
पर मीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं देखो आपको इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखें 1 लीटर में है ना, 1 लीटर में होता है 10^-3 मीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.5 लीटर। तो इसमें कितना हो जाएगा, 0.5 × 10^-3 मीटर क्यूब, ऐसा, ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम। ये आपकी क्या है, आपको मिल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम मिल गया तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको चाहिए मास, तो m इज इक्वल टू रो इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखो, है ना। तो जब आप रखोगे यहाँ पे बच्चों, तो ये देखो रो कितना दे रखा है, 10^3 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.5 × 10^-3। ये इसको कैंसिल करेगा तो 0.5 ये केजी में आया, किस में आया, केजी में। अब 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 × 10^3 ग्राम, तो ये बन जाता है 500 ग्राम। तो मास हमको कितना मिला, m इज इक्वल टू हमको मिला 500 ग्राम। अब देखिए ना, यहाँ से आपके लिए कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप आराम से इसको कर सकते हैं, जैसा पिछली बार हमने किया था वैसा ही। तो पहले आप यहाँ तक कर लें, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉज कर लें, इसको लिख लें, हो गई फोटोकॉपी, आगे बढ़ता हूँ मैं। मास हमको मिल गया, तरीका आपको पता होना चाहिए बस, क्योंकि तरीके पता होने से ही आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाओगे, और क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में अगर आप सही क्वेश्चन कर ले गए ना, तो फिर आपका टाइम भी बचता है और कॉन्फिडेंस भी आता है, और अगर पहले अटेम्प्ट में गड़बड़ हो गया तो फिर कन्फ्यूज़न, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको मास कितना आपने निकाल लिया, एम निकाल लिया है आपने 500 ग्राम। तो आइए फिर वही पुरानी कहानी दोहराते हैं, 1 मोल ऑफ H2O कितने मॉलिक्यूल्स को रखता है, 6.022 × 10^23। तो 1 मोल, सॉरी, अब 1 मोल में कितना होगा, 18। H2O का आपने निकाला तो था, काहे को टाइम पास करते हैं, निकाल फटाफट आगे बढ़ते हैं, 18। तो 18 ग्राम में कितना होगा, 6.022 × 10^23। 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 × 10^23 एंड डिवाइडेड बाई 18, ठीक है जी। आगे देखें कितना दिया है, 500 ग्राम। 500 ग्राम में 6.022 × 10^23 डिवाइडेड बाई 18 × 500 ग्राम। अब ये आपका क्या बन गया, इतने में, अब देखो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना रखता है, 10। 2 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, कितने हुए, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, 6.022 × 10^23 मल्टीप्लाइड जा 500 डिवाइडेड जा 18 × 10। ये क्या आया, ये आया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, चार्ज आराम से निकल जाएगा, तो ठीक है, चार्ज भी दिख लो, देखो कैसे निकलेगा चार्ज, चार्ज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 6.022 × 10^23 / 18 × 500
इंटू टेन इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और ये आ जाएगा कूलम्ब। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ से ऐसे ही दो क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है। फोटोकॉपी हो गया, मिटा देते हैं। तो ये मूल कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। माने आपको अगर दे रखा हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो क्या होगा, ठीक है। एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, थोड़ा सा बेसिक होगा हमारा, टेंथ क्लास में जो हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू आई टी से, है ना, ठीक है। आइए करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड क्वेश्चन हमको करना है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो ना, पहला क्वेश्चन इस सीरीज में आता है आपका। मान लो ये कोई बॉडी ए है और इस बॉडी से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी दूसरी जगह। मान लो ये कोई बॉडी बी है, इस बॉडी पे ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच वन कूलम्ब चार्ज इज ट्रांसफर्ड। माने आपको वो टाइम इंटरवल बताना है जिस टाइम इंटरवल में अगर इस रेट से चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक कूलम्ब चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रही बात? तो कहीं ना कहीं देखो, टेंथ क्लास में हमने इक्वेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमको देना है, करना है। तो देखो ना, क्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है, एनी होता है, और कहीं ना कहीं ये क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो हम इससे क्या करते हैं, चार्ज बना लेते हैं। तो 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। माने एक सेकेंड में इतना जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ए से बी पर, नहीं आ रहा है एक सेकेंड में, है ना। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, तो चार्ज ही तो ट्रांसफ़र होगा। तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दे रखा है कूलम पर सेकेंड दे रखा है, क्या दे रखा है, कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड कहीं ना कहीं किसकी यूनिट होती है, करंट की। देखो ना, चार्ज का कूलम और सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आई दे रखा है। क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू दे रखा है 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बार बार इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो 1.6 इंटू 10 के पावर 19 में से देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, बेस सेम है, तो क्या होगा, माइनस 10 कूलम्ब पर सेकेंड। आई दे रखा है, क्यू आपको क्या कह रहा है, कितना कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब। आपको क्या निकालना है, टी इज इक्वल टू वॉट। तो आइए निकालते हैं, ठीक है, फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं इसका। तो टी इज इक्वल टू Q अपॉन आई, तो ये 1 कूलम्ब और 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 10, और ये किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, क्योंकि कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल, बचा सेकेंड, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड में आएगा। तो इसको हमको चेंज करना है किस में, इसको हमको चेंज करना है
ईयर में, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ईयर में आराम से चेंज कर लेंगे। तो ईयर में चेंज करने आपको आता है ना, बताएं सॉल्व करिए तो कितना आता है। देखो 0.625 इंटू 10 के पावर 10 इतना हो रहा है पर सेकेंड। अब इसको हमको चेंज करना है ईयर में, तो t इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10, ठीक है। तो देखो सेकेंड में है, तो 60 से डिवाइड किया तो किस में आया, मिनट में। फिर 60 से डिवाइड किया तो किस में आया, आवर में। फिर 24 से डिवाइड किया तो किस में आया, डे में। और फिर 365 से डिवाइड किया तो किस में आएगा, ईयर में। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलता है 198 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इतने ईयर्स लग जाएंगे एक कूलम चार्ज फ्लो होने में। माने 10 के पावर 9 के रेट से भी अगर फ्लो हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 200 साल लग जाएंगे एक कूलम चार्ज के फ्लो होने में। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको फोटोकॉपी करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा टाइम निकाला है ना, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं, ये तो टाइम निकालने वाला कॉन्सेप्ट था। और देखो और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और बन सकता है कि फाइंड द चार्ज। अब ये पर सेकंड हटा करके हम क्या करते हैं, मान लो कि यही हमारा अब क्वेश्चन बदल रहा है। देखो कैसे बदल रहा है क्वेश्चन, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। ए बॉडी से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, किसको, बी को। तो आपको बताना है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कितना होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कितने चार्ज ट्रांसफर हुए ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस, इफ यस देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है कोई बॉडी ए है जिससे 10^9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, किसको, बी को, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ ए से बी को, ठीक है। और ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, ए कैसा हो जाएगा, बी कैसा हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा हम लोग सरप्लस ले लेते हैं कि क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरा पूछ रहा है इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास टेक्स प्लेस, क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मास हुआ है, अगर हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड पता करें। समझ में आया क्वेश्चन, तो आइए अब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, फिर अमाउंट ऑफ मास, अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो, नहीं हुआ है तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है, मास का ट्रांसफ़र हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, सोच के बताइएगा, ठीक है जी। कैमरामैन अंकल भी मुस्कुरा रहे हैं सब बढ़िया कैमरामैन जी, चलो ठीक है।
इन्हीं के हाथ में तो सब कुछ है कि नहीं। आओ देखो, सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, कहीं ना कहीं ये क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो रखो 10^9 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10^-19। सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 1.6 इंटू 10^-10, और क्या आएगा, कूलम, इतना कूलम। ठीक है, और क्या निकालना था अपने को, तो और निकालना था मास ट्रांसफ़र। सबसे पहला मुद्दा है कि मास ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.9 इंटू 10^-31 kg। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 10^9 इलेक्ट्रॉन, तो मास तो ट्रांसफ़र होगा, तो निकालना होगा टोटल मास ट्रांसफ़र। टोटल मास ट्रांसफ़र, अच्छा किसी के दिमाग में चल रहा है क्या कि मास ट्रांसफ़र कैसे हुआ। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसके साथ ये मास भी तो जाएगा, है कि नहीं। तो जब मास जाएगा तो मास का ट्रांसफ़र तो हुआ, तो वही अपने को निकालना है। टोटल मास ट्रांसफ़र इज इक्वल टू कितने हैं, 10^9 इंटू, एक का कितना है 9.1 इंटू 10^-31 kg। ये आपका आंसर, 9.1 इंटू 10^-9 गया तो कितना होगा जी, अगर 10 होता तो 21 होता, 9 है तो कितना होगा, 22। ठीक है ना, देख लो कितना होगा। ठीक है, 22 क्या kg। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मास ट्रांसफ़र हुआ है ये कैसा है, इसका आप ऑर्डर देखें 10